आज का जो सफ़र हम लोग का है, आज आसनसोल से मुकुट मणिपुर है। तो आज मैं और मेरा दोस्त जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मुकुट मणिपुर हैं, तो कुछ नज़ारा दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। के लिए और सिर्फ 7 किलोमीटर लगेगा हम लोग को। ये बीच में कुछ ये नदी है जो बहुत खूबसूरत लगे, इसलिए हम यहाँ रुक गए। ये नदी का नाम तो मुझे पता नहीं, बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं ये पूरा बोटिंग हो रहा है यहाँ पर। ये ऊपर का नज़ारा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है इस जगह पर। ये पूरा इलाका पूरा भरा हुआ है। अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा है। डाइंड डाइंड तो गाइस अभी हम लोग इस होटल में खाना खाए हैं, आप देख सकते हैं। और यहीं है क्या? किस जगह, किस जगह पर, मतलब यहाँ पर? यहाँ से 7 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर आपका यहाँ से है। तो गाइस ये बहुत बड़ा इलाका है, अभी घूमने हम लोग को टाइम लग जाएगा। एक्चुअली हम लोग आए हैं अभी लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग आए अभी हम लोग। ये दोनों चले
तो गाइस अभी हम लोग बोटिंग करने वाले हैं और हम लोग इस जगह से जाने वाले हैं डियर पार्क। हम लोग उस जगह पे थे, वहाँ से यहाँ के लिए सफ़र जो है लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास में है। इधर है आपका बहुत सारा जगह है घूमने के लायक। और आप सनसेट देख सकते हैं अभी। गाइस अभी हम लोग जंगल के बीच में हैं, ठीक। और यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है, वो एक पार्क है और एक और जगह है, जगह का नाम पता नहीं मुझे, अब जाने के बाद समझ में आएगा मुझे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं और चलते हैं अंदर हम लोग अभी। जगह तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए भी, फैमिली के लिए तो सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हमको मानना ही पड़ेगा। कतो हो गया, चलो। ओ दादा चलो चलो, ओ अबे तुतुआ है। इन जनाब लोग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। गाइस ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है और आप लोग देख सकते हैं
पौधों को किस तरह डिजाइन दिया गया है, सॉलिड अमेजिंग। मोर था कि एक्चुअली तो कौन है, देखो कौन कौन है, एक मिनट बस, इन जनाब लोगों को हम आए देखने के लिए। मिट्टी का थोड़ा झील ले लिया, तो बहुत अच्छा ही प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं भैया। बहुत हैवी चीज है, गाइस ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है मगर कुछ अमेजिंग चीज़ भी इसमें है। ये आप झोपड़ी देख सकते हैं, झोपड़ी इस जगह पे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, दरख्त के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। आई हाँ गाइस, तो कुछ अमेजिंग सा चीज़ देख लीजिए आप लोग। गाइस अमेजिंग, तो लो गाइस भी अपना ले रखा, ले ले गुस्सा खराब है ले रखा इसीलिए। इसको भी बेटा फ्रेश खाना चाहिए, पटक के लेंगे उठा के उसको। इसको भी रही सी छाया हुआ है, जूठा नहीं खाता है भाई। हाँ भाई कहाँ पे, ऐसे नॉर्मल छोड़ दीजिए कहाँ, अरे साला ले अपने नहीं नहीं मेरा फोटो लेना लेना आ गया। तो गाइस अब हरण को देख सकते हैं अभी, तो
बीच में काला रहने भी भाई देख लो इसे यार और उस जगह पर लगता है लोग खाना पीने चल रहा है। चलिए दिखाते हैं उस जगह पर हम ये रहा गाइस, ये इस जगह पर लगभग 15-20 होगा यहाँ पर। हरे भाई पैसा वसूल हो गया भाई, पूरा पूरे पैसा वसूल हो गया हम लोग का। दिन भर का जो थकावट तो अभी दूर हो गया हम लोग का। इस तरह का जानवर को देखने के बाद थोड़ा अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा है कि नेचर को बचाया जा रहा है। और हम लोग अब निकलते हैं